हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? तो सबसे पहले हम LHS को लेकर RHS को लाएंगे, ठीक है? LHS लेते हैं, LHS में हमारा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा माइनस ये क्या होगा, cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है? और इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल, इसका हम LCM अब लेंगे साइन थीटा, और ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम a माइनस b का होल स्क्वायर, या रहने देते हैं उसको, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम तोड़ लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? यहाँ पे ए माइनस बी दो बार है और यहाँ पे ए माइनस बी एक बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये हमारा हो गया कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल आया हमारा, RHS के, ये हमारा प्रूव हो गया पाल, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए LHS हम लेते हैं, LHS हमारा क्या है, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a, इसे हम LCM ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 plus sin a into cos a, ठीक है? अब यहाँ पे cos a into cos a, यहाँ पे हो जाएगा cos square a plus 1 plus sin a का whole square, ये 1 plus sin a, इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू sin a 2ab बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड्स, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, अभी आपको बताया कि cos sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a 1 होता है, तो हमारा 1 plus 2 sin a by 1 plus sin a into cos a, ठीक है? यहाँ से 1 plus 2 कितना होगा, 2, और यहाँ का 2, ये हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट में कितना आया, 2 बाय कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, sec a, तो 2 sec a, ठीक है? ये हमारा
RHS हो गया, इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं हम LHS को, LHS को लेकर हम चलते हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसे फिर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई ये कॉस थीटा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम इसे आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ नीचे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम ये एलसीएम लेंगे इसका, जब हम इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हम इसका अगर हम साइन चेंज कर लेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हम एलसीएम ले लिए ये। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम माइनस में से मल्टीप्लाई ऊपर किए और माइनस से नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर और ये चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और बचा क्या, साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस ये कॉस जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या कितना होता है वन होता है, तो ये हमारा हो गया वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे हम कैंसिल कर दिए हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट में सब था और मल्टीप्लाई था, तो इसके लिए हम इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आइए वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, वन बाई कॉस, अब समझिए ये किसका अपोजिट है, ये हमारा वन बाई कॉस, वन बाई कॉस किसका अपोजिट है, सेक का, तो सेक सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ से जब कैंसिल आउट हुआ तो ये वन वन, ठीक है, वन वन, तो यहाँ पे वन बाई वन क्या होगा वन, यानी प्लस वन, और यही हमें प्रूफ करना था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा आर एच एस हो गया और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वन प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम आपको सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, एल एच एस को लीजिए और तोड़िए, वन प्लस सेक ए बाई सेक ए, जब हम इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई कॉस ए, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है वन बाई कॉस ए, ठीक है, और सेक ए, सेक ए का वन बाई कॉस ए, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए बाई वन माइनस कॉस ए, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला भी है, कॉस ए और कॉस ए ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आ गया कितना, कॉस ए प्लस वन, ये हमारा क्या आ गया एल एच एस। अब इससे हम सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या लेते हैं, आइए अब आर एच एस लेते हैं, आर एच एस, आर एच एस लेकर बनाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए। अब देखिए वन माइनस कॉस ए, अब यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं यहाँ पे, तो आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी पे हम लोग बनाएंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे वन माइनस कॉस ए, अब देखिए फ्रेंड्स वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा कितना बच गया, वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, ये आर एच एस और ये एल एच एस, तो हमारा अगर इक्वेशन ये वन हो गया और ये इक्वेशन टू हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यानी समीकरण एक और दो से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारा ये,
फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस वन बाई cos a प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू cos a प्लस cot a। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ हम पहले ये करते हैं क्योंकि ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में है। तो LHS हम लेते हैं, LHS में साइन से डिवाइड करते हैं तो cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। यानी सब में हम साइन ए से डिवाइड कर दिए, अंश और हर दोनों में साइन ए से जब डिवाइड कर दिए तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, ये हमारा क्या होता है कॉट ए, कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, ये क्या होता है वन प्लस वन बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए बाई कॉस ए बाई साइन ए, ये क्या होता है कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए वन, ये भी प्लस वन माइनस वन बाई साइन ए, ये क्या होता है कॉसेक ए। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन बाई कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस वन को हम उधर कर दिए तो यहां पे फ्रेंड्स हमारा जो माइनस वन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वन की जगह पे ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए, वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए कॉट प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई, ठीक है बाई कॉट ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक a प्लस कॉट a इंटू कॉसेक a माइनस कॉट a। ठीक है, बाय बाय क्या हो जाएगा कॉट a, कॉट a प्लस वन माइनस कॉसेक a। ठीक है, अब यहां से फ्रेंड्स कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हमारा कॉमन निकल जाएगा यहां से, तो यहां से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को तो हमारा क्या वहां पे बच जाएगा, यहां पे वन बचेगा, ये हमारा कॉमन निकल गया तो यहां पे वन माइनस ये बचेगा कॉसेक वन माइनस वन माइनस ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो जब यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा तो जब यहाँ पे माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेते हैं प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए बाई कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो यहां पे फ्रेंड्स हमारा कॉट ए प्लस वन, कॉट ए
प्लस वन माइनस कोसेक ए और यहाँ पे माइनस कोसेक ए, ये हमारा एक आया तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बच गया, कॉट ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा आर एच एस के इक्वल आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, और नेक्स्ट वीडियो में और सबका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे